हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है और यह ऐसी खबर है कि ये सभी अध्यापकों के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दोस्तों, टेट की मान्यता अब 7 साल की बजाय ता उम्र होगी। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश और दोस्तों ये जो है पिछले सत्रों से अर्थात 2011 से लागू हो गया है। अर्थात 2011 पहली बार जब टेट आया था तब से अगर किसी भी अध्यापक ने टेट पास कर लिया है तो उसकी मान्यता पूरे लाइफ रहेगी। आइए दिखाते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आइए खबरों को विस्तार से दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेट सर्टिफिकेट केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता सर्टिफिकेट टेट सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। पोखरियाल ने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले से लागू किया गया है, यानी 2011 के बाद जिनके भी प्रमाण पत्रों की अवधि पूरी हो चुकी है वह भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। नए बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत किए जा रहे हैं और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में सीटेट के अलावा आयोजित होने वाली अन्य राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षाओं में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा गया था। इस ब्यौरे में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न के अलावा परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों, सफल उम्मीदवारों आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप के साथ ही परीक्षा को लेकर समय समय पर राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों या मुद्दों के संबंध में भी जानकारी मांगी गई थी। उसके बाद यह फैसला किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार यह फैसला तत्काल लागू किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले की तारीख 1 जनवरी 2011 से लागू किया गया है, यानी कि इन सालों में जिनके भी प्रमाण पत्रों की अवधि पूरी हो चुकी है वह भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। उन्हें बार बार परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बड़े कदम से शैक्षणिक क्षेत्र में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। यह एक सुधारवादी कदम है, इससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी। बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पद्धति और नियमावली में बदलाव की कवायद लंबे समय से चल रही थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन प्रावधानों के तहत किए गए हैं। TET यानी टेट की परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षक की बहाली से पहले उनके अर्हता तय करने के लिए ली जाती है। अब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ओरिजिनल फॉर्म में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ जो है ये आप लेटर आप देख पा रहे हैं। वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 ईयर्स टू लाइफ टाइम। श्री रमेश पोखरियाल निशंक, पोस्टेड ऑन 3 जून 2021 एट 1:41 PM बाई PIB दिल्ली। Union Education Minister Sri Ramesh Pokhariyal Nishank announced that government has decided to extend the validity period of teachers eligibility test qualifying certificate from 7 years to lifetime with retrospective effect from 2011. The respective state government UTs will take necessary action to revalidate issue fresh test certificate to those candidates whose period of 7 years has already elapsed, he added. श्री पोखरियाल सेड दिस विल बी अ पॉजिटिव स्टेप इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू मेक अ करियर इन द टीचिंग फील्ड। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन स्कूल्स। द गाइडलाइंस डेटेड 11 फरवरी 2011 ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE लेड डाउन टू द टेट वुड बी कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द वैलिडिटी ऑफ टेट सर्टिफिकेट वॉज 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग टेट। ये रहा दोस्तों आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आपको भी कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।